चलो तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन है, दो स्फीयर्स हैं पी और क्यू, यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, जो कि कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, एंड रेडियस ऑफ क्यू इज थ्राइस द रेडियस ऑफ पी। ठीक है, सॉलिड स्फीयर्स हैं, ये ध्यान रखना। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ पी इज एक्स टाइम्स दैट ऑफ क्यू व्हेन बोथ आर एट द सेम सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो इसको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं अपन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये पहले एक स्फीयर का देखते हैं। मान लो ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सर हाँ सर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर मतलब डी कैपिटल टी बाई डी टी ना। हाँ ठीक है। तो यहां पे क्या है, टेम्परेचर मान लो टी है, सराउंडिंग टेम्परेचर है टी नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत। लेट अस से टी जो है वो टी नॉट से ज्यादा है, मान लेते हैं टी टी नॉट से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये रेडिएट ज्यादा करेगा और हीट अब्सॉर्ब कम करेगा। तो हीट लॉस अगर हम देखेंगे, हीट लॉस का रेट, हीट लॉस रेट विल बी इक्वल टू ई सिग्मा इनटू, मान लेते हैं इसका रेडियस है आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। इतने रेट पे इसका हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, कोई परेशानी। अच्छा, तो हीट लॉस हो रहा है, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर फॉल्स विथ टाइम, मानते हो, है ना। हाँ तो टेम्परेचर जब फॉल होगा तो टेम्परेचर याद है, याद करो, एम एस डी टी, ये क्या होता है, दिस इज हीट, ठीक हीट गिवन और लॉस्ट, ये होता है ना है। मॉड। ठीक है, हीट गिवन और लॉस्ट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू एम एस डी टी। तो रेट ऑफ हीट गिवन और लॉस्ट क्या हो जाएगा, सर रेट पहले ऑफ हीट बताओ। गिवन और लॉस्ट हो जाएगा एम एस डी टी बाई डी टी, यही होगा ना हाँ उसका मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे अभी हम सिर्फ। हाँ सर, ठीक फिर है, इसको इक्वल इक्वल तो करेंगे। यहाँ पे हीट लॉस रेट ये है ना, और उसको इक्वेट कर देंगे इससे हम, है कि नहीं, आई बात समझ। तो हाँ सर, हाँ सर, पहले मैग्नीट्यूड इक्वेट करते हैं, फिर बाद में देखते हैं साइन का क्या सीन है, पॉजिटिव लगाना है नेगेटिव लगाना है। एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। कोई दिक्कत इसमें। अब जी हमको सर। देखना है कि यहाँ पे क्या लगाएं, माइनस साइन लगाएं कि प्लस साइन लगाएं। यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा क्या है, पॉजिटिव 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 है, और बॉडी का टेम्प, चूंकि हीट लॉस हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है डी टी, डी टी बाई डी टी, ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का साइन सेम रखना है, इसलिए हमने ये किया। कोई दिक्कत, नहीं सर। चलो गुड। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं डी टी बाई डी टी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, ई सिग्मा 4 पाई, ये सब तो ये है, कॉन्स्टेंट ई सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर टी नॉट टू द पावर 4 बाई मास। मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, हाँ सर, है ना, हाँ सर, और ऐसा है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स इसमें सेम है, कौन कौन से टर्म्स अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो देखते हैं। बोला है सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है तो क्या क्या सेम हो जाएगा बताओ।
रो सेम हो जाएगा डेंसिटी और सिग्मा, सिग्मा तो सेम है ही, वो तो यूनिवर्सल है, एमिसिविटी भी सेम हो जाएगा ई है ना। हाँ सर। अब देखो लेकिन रेडियस जो है, रेडियस है क्यू का जो रेडियस है वो पी के रेडियस के थ्राइस है, थ्राइस है ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमको, रो और ई सेम रखना है। चलो तो करते हैं, तो अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है उसको हम ये कर देते हैं। तो ये ई सेम है सब में, सिग्मा सेम है, फोर पाई सेम है, बॉडीज का टेम्परेचर भी सेम है, और ये अज्यूमिंग कि दोनों सेम सराउंडिंग्स में, तो ये भी सेम है क्या। हाँ सर। रो और फोर बाई थ्री पाई ये भी दोनों में सेम है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है देखो। हाँ सर। है कि नहीं। हाँ सर। तो ये जो है ये हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है ये। हाँ सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू सम माइनस ऑफ सी बाई आर आ रहा है, देखो तो। हाँ सर। बाकी सबको एक कांस्टेंट में इंक्लूड कर दिया है ना, तो जिसका जितना ज्यादा रेडियस है, जिसका जितना ज्यादा रेडियस है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर उतना कम है, सब देख रहे हो। हाँ सर। तो बस अब हमारा सवाल बन चुका है, वापस चलते हैं। क्या है, क्यू का रेडियस है थ्राइस, तो क्यू का जो टेम्परेचर होगा वो कम रेट से फॉल होगा, क्लियर। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ पी इज एक्स टाइम्स दैट ऑफ क्यू, मतलब पी का जो है, चूंकि क्यू का रेडियस थ्राइस है तो पी का जो टेम्परेचर है वो तीन टाइम ज्यादा तेजी से फॉल होगा, क्लियर। हाँ सर। आया समझ में। हाँ सर। सिंपल था। यस सर।